कैरियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी परमाणु मॉडल की। किसकी बात की थी? परमाणु मॉडल। और उसमें अपन ने सबसे पहला परमाणु मॉडल पढ़ा था, प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब अपन बात कर रहे थे क्लास दसवीं के विज्ञान के सातवें चैप्टर के बारे में, जिसमें अपन बात कर रहे थे परमाणु सिद्धांत की। उस परमाणु सिद्धांत में अपन ने परमाणु की संरचना के बारे में बात करी, और उस परमाणु की संरचना को समझाने में सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था वो था प्लम पुडिंग मॉडल, जो जे थॉमसन द्वारा दिया गया था, जिसके बारे में अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज अपना टॉपिक था रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, जिसकी वजह से प्लम पुडिंग मॉडल जो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था वो फेल हो जाता है। किसकी वजह से? रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के माध्यम से। तो क्या है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, उसके बारे में बात करते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने स्वर्ण पत्र प्रयोग के लिए रदरफोर्ड और उसके शिष्यों ने एक सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा पार्टिकल, किसकी बात करते हैं? अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं? ये एक तरह से रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। और रेडियो एक्टिव तत्व का एक प्रकृति होती है कि वह जब भी कहीं रखेंगे तो उसके अंदर से छोटे छोटे उसके कण जो होते हैं, उसके रेडिएशन होती है, वो लगातार इमिट होती रहती है, बाहर निकलती रहती है। तो अल्फा पार्टिकल एक रेडियो एक्टिव तत्व था। उस रेडियो एक्टिव कणों को सोने की पतली झिल्ली पर बमबारी करवाई गई, मतलब उसके ऊपर उनको गिराया गया। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल को सोने की पन्नी पर गिराया गया, तो अल्फा पार्टिकल उस पन्नी से टकराने के बाद किस ओर विस्थापित होते हैं, उनकी दिशा क्या होती है, इसलिए सोने की पतली पन्नी के ऊपर चारों ओर एक वर्ताकार पर्दा रखा गया, एक फोटोग्राफी फ्रेम रखी गई, जिसके वजह से इस अल्फा पार्टिकल के कणों की दिशा ज्ञात हो सके। तो उसका डायग्राम किस प्रकार से था, तो मैं आपको एक बार यहाँ हल्का सा उसका डायग्राम बना कर दिखा देता हूँ। एक अल्फा पार्टिकल स्रोत है, जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल छोटे छोटे कण भरे हुए हैं। उन छोटे छोटे कणों के सामने की ओर एक बड़ी सी सोने की पन्नी रखी हुई है, और उस पन्नी के चारों ओर क्या किया गया है, एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई है। क्या रखी गई है? फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक फिल्म अपन जिसको बोलते हैं, फोटोग्राफिक पर्दा बोल सकते हैं अपन। और इस फोटोग्राफिक पर्दे के ऊपर एक खासियत क्या थी कि जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ था। क्या किया हुआ था? जिंक सल्फाइड का लेप, मतलब इसके ऊपर प्लास्टर किया हुआ था। क्यों किया हुआ था? कि जब अल्फा पार्टिकल आके इससे टकराए तो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या बन जाए, एक धब्बा बन जाए, एक निशान बन जाए, जैसे पता चल सके कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से आने के बाद जो इसका रास्ता है, यहाँ से आने के बाद इधर गए, उनकी क्या दिशा हुई, उसके बारे में पता करने के लिए ये किया गया। तो अब जब ये इसने अपना सेटअप तैयार किया, तो जब अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बमबारी करवाई गई, तब वो क्या देखते हैं, उन्होंने क्या क्या प्रेक्षण लिए, उन प्रेक्षण के बारे में बात करेंगे, उन प्रेक्षणों के आधार पर उसने क्या निष्कर्ष निकाले उसके बारे में बात करेंगे। ये है सोने की पन्नी, ये फोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप है। अब देखो, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग पढ़ने के लिए अपन उसको तीन चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रेक्षण, मतलब जब बमबारी की गई तो उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या क्या उसने देखा। क्या देखते हैं रदरफोर्ड? कि जब इसके अंदर से अल्फा कण इस पन्ने से टकराते हैं, तो जैसे मान लो मैं कह दूँ अनुमान के तौर पर 20,000 कणों को इसके ऊपर एक निश्चित समय के अंदर गिराया गया, तो इन 20,000 कणों में से कितने कण सीधे निकल गए? तो अधिकांश मतलब बहुत ज़्यादा कण क्या हो गए, बिना किसी दिशा में परिवर्तित हुए सीधे निकल गए। कुछ कण क्या थे, इस पन्नी से टकराने के बाद में कुछ अलग अलग डिग्री के कोण पर इसके अंदर से विस्थापित हो गए, अलग अलग डिग्री के कोण पर निकल गया, और इनमें से बहुत कम किरणें ऐसी थी जो यहाँ टकराने के बाद में इसी दिशा में वापस आ गई। मतलब मैं कह दूँ कि 20,000 में से केवल एक
किरण ऐसी थी, एक कण ऐसा था जो यहाँ से टकराने के बाद में वापस इसी दिशा में आ गई। तो अपन ने प्रेक्षण के कितने पॉइंट पढ़े, तीन पॉइंट पढ़े। पहला क्या, अधिकांश कण सीधे निकल गए। दूसरा पढ़ा अपन ने, कुछ कण विक्षेपित हो गए। और तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा कि 20,000 में से एक कण बोल सकते हैं अपन, इसको एक किरण बोल सकते हैं, 180 डिग्री के कोण पर वापस मुड़ जाती है। तो जब इसने इन तीन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, यहाँ पे देखा, इसका प्रेक्षण लिया, तो इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला, निष्कर्ष कि भाई ये क्यों हुआ, क्यों अधिकांश किरणें सीधी निकल गई। अब जैसा कि मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता सकता हूँ, आप लोगों ने खिड़की देखी है, खिड़की के अंदर जैसे मान लो छोटी छोटी पाइप लगी हुई है किसी खिड़की के अंदर से, तो अपन को पता है कि जब मैं चौक को मारूंगा तो क्या हो जाएगी, उसके अंदर से पार हो जाएगी क्योंकि खिड़की खाली है। अब जैसे ही यहाँ पे ये अधिकांश किरणें पार हो रही है, मतलब क्या है कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। अपन क्या कहेंगे, परमाणु के अंदर अधिकांश भाग जो होता है वो खाली होता है। कैसे समझेंगे, मान लो ये सोने की पन्नी है, इस सोने की पन्नी के अंदर क्या है, छोटे छोटे परमाणु है, और इन परमाणुओं के अंदर से अधिकांश किरणें क्या हो रही है, सीधी निकल जाती है। क्या निकल रही है, सीधी। और जब कोई चीज़ पार हो रही है किसी के अंदर से, आर पार हो रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे से ये चौक टकराएगी, पार नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जगह भरी हुई है, लेकिन अंगुलियों के बीच में से यदि मैं निकालता हूँ तो पार हो जाएगी क्योंकि खाली स्थान है। तो पहला पॉइंट क्या था प्रेक्षण, कि अधिकांश कण सीधे निकल गए। तो निष्कर्ष क्या निकाला इसने, कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, रिक्त होता है। ठीक है, दूसरा, कुछ कण विक्षेपित हो गए। क्या हो गए, कुछ कण विक्षेपित हो गए। तो मैंने आपको पहले बताया कि अल्फा कण क्या है, अल्फा कण धनावेशित होते हैं। अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित। और जब कोई धनावेशित कण वापस उसी दिशा में विक्षेपित हो रहा है, मतलब अपन क्या कहेंगे कि परमाणु में धनावेश होता है। क्या होता है, परमाणु में धनावेश होता है, और वो धनावेश एक जगह केंद्रित होता है। क्या होता है, एक जगह केंद्रित होता है। इससे पहले वाले वीडियो में, क्लास में मैंने बताया था कि प्लम पुडिंग मॉडल में थॉमसन ने क्या बताया, कि पूरा का पूरा परमाणु क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है। तो यदि पूरा परमाणु धनावेशित गोला होता तो ये अल्फा पार्टिकल इससे टकरा के सभी वापस आते, इसके अंदर से पार नहीं होते। तो इस रदरफोर्ड की इस बात की वजह से थॉमसन का परमाणु मॉडल फेल होता है कि धनावेश एक जगह केंद्रित होता है। लास्ट पॉइंट क्या थी, कि 20,000 में से एक किरण 180 डिग्री कोण पर वापस आ गई, मतलब सीधी टकराई और उसी दिशा में वापस आ गई। तो अपन कहेंगे कि धनावेश एक जगह केंद्रित होता है, और लास्ट पॉइंट है कि धनावेश का आयतन परमाणु के कुल आयतन से कम होता है। और कम भी क्या, बहुत कम होता है। रदरफोर्ड ने कहा कि यदि एक परमाणु को अपन 10^-10 मीटर त्रिज्या का गोला मानते हैं तो उसका नाभिक 10^-15 मीटर होगा। और इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ, कि यदि मान लो परमाणु का नाभिक एक छोटी सी क्रिकेट बॉल की गेंद के बराबर है, तो उसकी जो कक्षा बनेगी वो कम से कम 5 किलोमीटर की होगी। और जब 5 किलोमीटर त्रिज्या की एक बड़ी कक्षा, एक घेरा बनाएंगे, तो वो बॉल का आकार कितना होगा उसकी तुलना में, तो इतना एक परमाणु के लिए नाभिक का आकार होता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अपन ने प्रेक्षण लिए, इन प्रेक्षणों के आधार पर अपन ने निष्कर्ष तैयार किए। और जब निष्कर्ष बन गए, क्या बने निष्कर्ष, अपन वापस से यहाँ इसको नोट कर देते हैं। निष्कर्ष क्या बनाया इन्होंने,
कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है भाई, अधिकांश भाग खाली बना लिया, और इस अधिकांश भाग खाली के अंदर अपन यहाँ लिख देते हैं परमाणु मॉडल, जो किसके द्वारा दिया गया है, रदरफोर्ड द्वारा। तो क्या बात करें कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, तो अधिकांश भाग रिक्त बना दिया, और ये मॉडल की प्रथम बात हो गई। दूसरी बात कि धनावेश में पूरा का पूरा, परमाणु में पूरा का पूरा धनावेश एक जगह केंद्रित होता है, तो अपन ने परमाणु के अंदर पूरा का पूरा धनावेश एक जगह पर केंद्रित कर दिया, और इसका नाम क्या दिया गया, नाभिक। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं नाभिक। अब तक अपन ने परमाणु में नाभिक की बात नहीं की थी, तो नाभिक का नाम कहाँ आया, रदरफोर्ड के प्रयोग में। तो अपन कहेंगे नाभिक शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया, इसलिए रदरफोर्ड के स्मरण पत्र प्रयोग को नाभिकीय परमाणु मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं, नाभिकीय परमाणु मॉडल। इस नाभिकीय परमाणु मॉडल के अंदर सबसे पहली बात क्या कि परमाणु के बीचों बीच उसका कुल धनावेश होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। दूसरी बात कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, सॉरी, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ, जिसे क्या नाम दिया गया, कक्षा। क्या नाम दिया गया, कक्षा, वृत्ताकार पथ मतलब कक्षा, ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। क्या नाम दिया गया, दो बातें कही गई, देखो कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर काटते हैं, और इन वृत्ताकार पथों को क्या नाम दिया गया, कक्षा नाम दिया गया। और इसके बाद जब अपन तीसरी बात करते हैं इनकी, परमाणु मॉडल की तीसरी अवधारणा क्या थी, तो कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, विद्युतीय उदासीन होता है, अर्थात जितना परमाणु में धनावेश होता है उतना का उतना परमाणु में क्या होता है, ऋणावेश। और धनावेश और ऋणावेश जब बराबर होंगे, प्लस और माइनस जब बराबर है, 5 प्लस के 5 माइनस के, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो अपन जब इसको एक चित्र में निरूपित करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये नाभिक हो गया जो धनावेश को दर्शाएगा, इसके बाद में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है इस वृत्ताकार पथ के अंदर इस तरह से परिक्रमा करते हैं। अब इस बोर्ड पर एक बार पुनः अपना ध्यान लाएं, क्या क्या बातें की गई है उसके बारे में बात करते हैं, कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या था, कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी पर बमबारी करवाई, जिससे उक्त प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए, प्रेक्षण। क्या क्या प्रेक्षण है, कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, अधिकांश कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ कण क्या हो गए, विक्षेपित तो हो गए। और तीसरा क्या है, कि 20,000 में से एक किरण या कण 180 डिग्री कोण पर पुनः इसी दिशा में लौट गई। इन परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष तैयार किए गए। क्या तैयार किए गए, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या क्या थे, कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त, इसीलिए अधिकांश किरणें क्या हो गई, सीधी निकल गई। दूसरा, धनावेश एक जगह पर ही केंद्रित है, इसीलिए कुछ किरणें ही विक्षेपित हुई। और तीसरा क्या था, कि धनावेश का आयतन कुल परमाणु के आयतन से बहुत कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि केवल 20,000 में से एक किरण ही उसी दिशा में वापस लौटी थी। तो ये प्रेक्षण, इन प्रेक्षणों के आधार पर ये निम्न तीन निष्कर्ष, और तीन निष्कर्ष के आधार पर इसने अपना नाभिकीय परमाणु मॉडल, कौन सा, नाभिकीय परमाणु मॉडल, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल प्रतिपादित किया। और इस न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल की तीन अवधारणाएं या तीन बातें कौन कौन सी है, तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। दूसरी बात,
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथों में परिक्रमा करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। और तीसरी बात, परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, मतलब कुल धनावेश और कुल ऋणावेश का मान क्या होता है, समान होता है। ये बातें इन बातों के आधार पर रदरफोर्ड अपने प्रयोग को प्रतिपादित करते हैं। लेकिन जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियों की वजह से उसका परमाणु मॉडल सफल नहीं हो पाता है। तो इन कमियों के अंदर सबसे पहली कमी है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना की व्याख्या नहीं कर सके। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होती है, किस प्रकार से वो एक परमाणु के अंदर वितरित होते हैं, विन्यासित होते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सका। और दूसरी बात है कि परमाणु का स्थायित्व के बारे में बता नहीं पाया। स्थायित्व क्या होता है, स्थायित्व के बारे में सबसे पहले इनसे प्रश्न पूछने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे मैक्सवेल। कौन थे? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि जब किसी धनावेशित भाग के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेंगे तो उनमें त्वरण उत्पन्न होगा, धीरे धीरे उनकी ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा। मान लो आप हैं, मैं हूँ, अपन लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या धीरे धीरे ऊर्जा कम होगी या नहीं होगी, धीरे धीरे अपनी गति कम होगी या नहीं होगी। तो यही सिद्धांत, इसी बात को मैक्सवेल ने पूछा कि जब एक धनावेशित भाग के चारों ओर एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेगा तो ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता हुआ क्या हो जाएगा, अंत में नाभिक में आके गिर जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा, 100% होगा। और ऐसा होगा तो परमाणु तो क्या होना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कोई परमाणु नष्ट होता है क्या? नहीं होता। तो इन दो कमियों के कारण एक तो ये कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना, यौगिक का निर्माण कैसा होता है वो, और दूसरा कि परमाणु का स्थायित्व किस प्रकार से होता है, क्यों मैक्सवेल के सिद्धांत का यहाँ पे खंडन हो रहा है, इन दो बातों को समझा नहीं पाया। और कुछ समय बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसके बाद परमाणु का नया मॉडल दिया जाता है, वो दिया जाता है नील्स बोर द्वारा। किसके द्वारा? नील्स बोर, जो मॉडल अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।